दोस्तों, आपका भी नींबू का पौधा 3 साल या 4 साल का हो चुका है और उसमें अभी तक कोई फूल नहीं आ रहे हैं, और अगर फूल आ भी रहे हैं तो समय से पहले झड़ जा रहे हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, नींबू के पौधे में दो मुख्य कारण है जिनके कारण क्या होता है कि या तो फूल नहीं आता है, और फूल आ भी जाता है तो फल नहीं बनता है उसका, फूल झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार आपका अगर नींबू का पौधा 3-4 साल का हो चुका है और उसमें अगर फूल नहीं आ रहा है तो आप कौन सा उपाय करें जिससे आपके नींबू के पौधे में अच्छे से फूल खिलने लग जाएंगे, एक दो फूल नहीं गुच्छों में फूल खिलेंगे। और अगर आपके पौधे में फूल आ रहे हैं और वो फल नहीं बन पा रहे हैं तो बहुत ही तेज़ी से सारे जो भी फूल आए हैं पौधे पर सभी फल में कन्वर्ट होंगे। सिर्फ ये दो उपाय करेंगे आप तो नींबू के पौधे में भर भर के नींबू भी आएंगे, फूल भी आएंगे, और फूल रुकेंगे भी और फल में कन्वर्ट होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉस्मिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर एक पौधा नहीं लगा हुआ है, मैंने पूरे 50 नींबू के पौधे लगाए हुए हैं और उनमें मैं ऑर्गेनिक उपाय करता हूं हर पौधे में, जिससे मेरे पौधे में ये देखिए अभी ज़्यादा बड़े नहीं है, ये पौधे छोटे ही हैं, ये देखिए, और इनमें फूल आ रहा है। और अभी तो मैंने क्या है कि इसमें कटाई छटाई कर रखी है तो फूल अभी आना स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों, दो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, जैसा कि आपने देखा ही होगा हर वीडियो में मैं 3 से 4 मिनट का मेरा कुली वीडियो होता है और उसमें मैं सारी जानकारी बता देता हूं। तो मैं आपका कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा वीडियो की जो जानकारी है वो शॉर्ट में आपको बताता हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, और जो मैंने किया हुआ है वही उपाय आपको बताऊँगा। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपके नींबू के पौधे में आप देख रहे होंगे ये जो तना है जड़ के, यहाँ पर आपको इसकी अच्छे से गुड़ाई करना है, और इसमें जो है नींबू के पौधे में जो छोटी छोटी जड़ें होती है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए छोटी छोटी जो जड़ें होती है, बाल जैसी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, उनको आप तोड़ लीजिएगा, काट लीजिएगा, ये जहां जो भी जड़ें दिखे आपको छोटी छोटी उनको काट लीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इसमें चाय की पत्ती, देसी खाद और थोड़ी सी छाछ मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, छाछ मिलाने से आपके नींबू के पौधे में बहुत सारे फूल कुछ ही दिनों में आने शुरू हो जाएंगे। छाछ से नींबू के पौधे में फूल बहुत जल्द आते हैं और नींबू का पौधा फूलों से भर जाता है। तो आप ये छोटी छोटी जड़ें जो काट देंगे, इससे क्या होगा कि नई टहनियाँ ना फूट करके आपके नींबू के पौधे पर डायरेक्ट ही फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो पहला उपाय जो फूल आने का मैंने आपको बताया है नींबू के पौधे में। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो है नींबू के पौधे में जो फूल आते हैं वो फल में कैसे कन्वर्ट हो। नींबू के पौधे में फूल तो बहुत सारे आ जाते हैं, ये बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी रहती है, और कई सारे उपाय करने के बाद भी उनके जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वो फल नहीं बन पाते हैं और वह समय से पहले जड़ जाते हैं। बहुत सारे फूल आते ज़रूर है लेकिन वो फल नहीं बन पाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो उसका एक उपाय मैं बताने जा रहा हूं, और जो ट्रस्टेड है मैंने भी किया हुआ है और उसका रिज़ल्ट भी मैंने देखा हुआ है। तो वह उपाय मैं आपको बता रहा हूं, नींबू के जो फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते हैं, इसका मुख्य कारण आपको ये पता होगा, जो भी फूल आता है उसका फल बनाने के लिए जो है मधुमक्खियाँ आना ज़रूरी है। अगर मधुमक्खी आकर कलियाँ होती है फूल की, उनको जब तक फूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फूल पूरा खुलेगा नहीं, तो आपका जो है नींबू के पौधे में फूल झड़ जाएंगे, वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको मधुमक्खियां कैसे आपके पौधे की तरफ अट्रैक्ट हो, इसके लिए आपको उपाय करना है। तो उसके लिए आप जो है थोड़ा शहद लीजिएगा, 1 लीटर पानी में 10 ml शहद मिलाकर आप पौधे पर स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद की गंध से आपके पौधे की तरफ अट्रैक्ट होगी, वो जो कलियां हैं मधुमक्खियां आकर उनको फल में कन्वर्ट करने का काम करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके नींबू के पौधे में फूल भी आएंगे पहले उपाय से, और दूसरे उपाय से आपके जो नींबू के पौधे में आए हुए फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा।
और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।